क्या मोदी की तारीफ करना जयराम रमेश और थरूर को पड़ेगा महंगा? क्या मोदी की तारीफ पर जयराम रमेश और थरूर पर एक्शन लेगी कांग्रेस? हाल ही में कांग्रेस के तीन बड़े नेताओं जयराम रमेश, शशि थरूर और अभिषेक मनु सिंघवी ने पीएम मोदी के प्रति एकतरफा नफरत से बचने और उन्हें हर बार खलनायक की तरह पेश नहीं करने की सलाह दी थी, लेकिन ऐसा करना इन नेताओं को भारी पड़ता नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी के ही एक दिग्गज नेता ने इस पर अपनी कड़ी नाराजगी जताते हुए इन पर एक्शन लेने की अपील की है। दरअसल कांग्रेस के सीनियर नेता एम वीरप्पा मोइली ने पीएम मोदी पर दिए गए बयान को लेकर जयराम रमेश और शशि थरूर की आलोचना की है। उन्होंने जयराम रमेश के बयान को लेकर सवाल किया कि क्या कांग्रेस मोदी को खलनायक की तरह पेश कर रही है। जयराम के बयान को बहुत बुरा करार देते हुए मोइली ने कहा कि इस तरह के बयान देकर वो बीजेपी के साथ समझौता कर रहे हैं। मोइली ने कहा कि अगर कोई भी नेता इस तरह का बयान देता है तो मैं मानता हूँ कि वो कांग्रेस या इसके नेतृत्व के लिए काम नहीं कर रहा। इतना ही नहीं, मोइली ने आरोप लगाते हुए कहा कि यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में पॉलिसी पैरालिसिस के लिए जयराम रमेश जिम्मेदार है। वो कई बार प्रशासन के सिद्धांतों के साथ समझौता करने के लिए भी जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, उन्होंने शशि थरूर को लेकर कहा कि उन्हें कभी भी परिपक्व राजनीतिक नहीं समझा गया। उन्होंने कहा कि थरूर अक्सर बयानबाजी करते हैं और प्रेस में जगह पाते हैं। मैं नहीं समझता कि उनके बयान को गंभीरता से लिया जा सकता है। उन्हें गंभीर राजनीतिक बनना होगा, ये हमारी अपील है। मोइली ने कहा कि मेरे विचार से कांग्रेस पार्टी के लिए ये समय अमुचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और ऐसे लोगों को आगाह करने का है जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जाना चाहते हैं। उन्हें सीधे सीधे जाने दिया जाए, वो पार्टी में रहकर पार्टी के साथ और उसकी विचारधारा के साथ कोई छेड़छाड़ न करे। आपको बता दें कि हाल ही में जयराम रमेश ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि मोदी के शासन का मॉडल पूरी तरह से नकारात्मक गाथा नहीं और उसके काम के महत्व को स्वीकार नहीं करके उन्हें हर समय खलनायक की तरह पेश करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है। उनके इस बयान का थरूर ने भी समर्थन किया था। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इन दोनों नेताओं पर क्या एक्शन लेती है। इंडिया न्यूज़ पैरल की रिपोर्ट।